हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ टेक्निकल चैनल। और इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया फ़ोन परचेज किया है जो कि है वीवो का Z1x। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है ये, तो इस फ़ोन के बारे में आप सभी लोगों के साथ में बताना चाहता हूँ कैसा है कैसा नहीं है फ़ोन। तो इस फ़ोन की तो हालांकि मैं अनबॉक्सिंग शो नहीं करूँगा, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ आपको इस बॉक्स के साथ आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहला आता है ये 22 वाट का फास्ट चार्जर, और दूसरा है ये बैक कवर आता है, तीसरी चीज़ है ये इसकी लीड वीवो की, और चौथी चीज़ है सिम इजेक्टर टूल जो कि ये रहा, ठीक है। और इस फ़ोन के कुछ फीचर की अगर मैं बात करता हूँ तो 5.3 इंच की सुपर एमोल्ड फुल एचडी डिस्प्ले है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगे हुए हैं। तो हालांकि इस फ़ोन के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। तो ये रहा फ़ोन, और एक बार फ़ोन का मैं लुक दिखा देता हूं आप सभी लोगों को, कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसके मैं बता दूं कि ऊपर की तरफ एक माइक दिया गया है, और राइट साइड में ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, और यहाँ पर है ये पावर बटन, और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा ये माइक्रोफोन जैक, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, ये स्पीकर है, ये माइक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सिम ट्रे है, सिम ट्रे, और यहाँ पे है ये गूगल असिस्टेंट बटन, ठीक है। तो इस फ़ोन की जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे वो लगी, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ मुझे इस फ़ोन की जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो है इसका बैटरी बैकअप, और बैटरी बैकअप इसका काफ़ी अच्छा है। इन स्टैंड बाई मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 दिन आराम से निकाल देगा, अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं 3 डेज आराम से फ़ोन निकाल सकता है। और दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ इसका कैमरा परफॉर्मेंस इन द डे लाइट कंडीशन, और डे लाइट कंडीशन में जो कैमरा परफॉर्मेंस दे रहा है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। हालांकि अगर नाइट कंडीशन में इसमें चाहे या फिर अगर मैं फ्रंट से खींचता हूँ या फिर बैक से अगर पिक्चर फोटो क्लिक करता हूँ विदाउट फ्लैश लाइट तो ये पिक्चर के अंदर नॉइज़ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दो चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी। तीसरी चीज़ जो मुझे इसकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उंगली को सिर्फ टच करते हुए फेस फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है, और इसका जो फेस अनलॉक फीचर है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तीन चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और इस फ़ोन की जो और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो है इसकी डिस्प्ले इन द रेंज ऑफ 17,000, क्योंकि सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है इसकी। अगर हम वीडियोस देखते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छा हमें कलर वगैरह हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा सैचुरेटेड सैचुरेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एवरेज गुड है। एक और जो चीज़ें मुझे इसकी फ़ोन की जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो लगी इसका फास्ट चार्जर, काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है ये, 22.5 वाट का इसका चार्जर है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मुझे चीज़ें जो अच्छी नहीं लगी उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि लो लाइट कंडीशन में जो कैमरा परफॉर्मेंस है इसका उतना बेहतरीन नहीं है, और आपको पिक्चर के अंदर नॉइज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर आप फ्लैश यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, और हो सकता है कि और लोगों के लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, और वो है इसका एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड स्लॉट का ना होना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मेमोरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो मैंने फ़ोन परचेज़ किया है 6GB वेरिएंट 64GB रोम के साथ परचेज़ किया है, जो मुझे लगा काफ़ी मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि भाई मेरे पास एक पर्सनल फ़ोन है ही सैमसंग का, मेरे पास तो सैमसंग का फ़ोन था ही, ये मैंने जो फ़ोन लिया है मैंने पर्सनल घर के यूज़ के लिए लिया है, तो मुझे जो चाहिए थी वो बैटरी परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए थी, और मुझे वीडियो वगैरह के लिए। और इसका जो अगर मैं स्पीकर के वॉइस की बात करता हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लाउड है, ठीक है, और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। सो यही सारी चीज़ें मुझे आप सभी लोगों के साथ बतानी थी, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।